हम लोग एक कोचिंग में हैं जिसका नाम है फ्यूचर क्लासेस, है ना। यस, ये कर्मा सोनभद्र में आता है और बहुत प्यारे बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं और इनसे हम कुछ जीके के टेस्ट लेने वाले हैं जिसका आंसर आपको देना है, राइट। यस सर। सुबह का समय है, बढ़िया खाना पीना दबा के आए हैं, खाए हैं तो वो खाना नहीं खाते, भूखे आ गए। कल का बस ये उधा गुझिया खा के आए हैं। खड़े हो जाओ, एक एक क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे ये बताओ दीदी, क्या नाम है? अंजलि विश्वकर्मा। अंजलि विश्वकर्मा। अंजलि, आप मुझे बताओ, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? दैनिक गति के कारण होता है या फिर कोई और कारण होता है? सर ये मुझे नहीं पता। क्या कारण है पृथ्वी पर दिन और रात होना? पृथ्वी अपने मतलब अपने सतह पे घूमती रहती है, जिसके कारण वो मतलब कि जिस साइड जिस पे हम रहते हैं, जिस जहाँ पे वो एक बार जो होता है कि वो सूर्य के दूसरे साइड आ जाता है तो जिस पे की रोशनी पड़ पाता है, इसी कारण मतलब दिन और रात होते रहता है। इसी को हम दैनिक गति कहते हैं। यस सर। हाँ, और ये हमेशा होता रहता है। यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। क्यों डरना नहीं है ना? क्या नाम है आपका? अंजलि मौर्य। अंजलि, अंजलि ये बताओ आप मुझे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध है, बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग कर दो तीनों के लिए, क्लैपिंग कर दो, बहुत शानदार, बैठ जाओ। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति है भाई, क्लैपिंग कर दो, शानदार, बैठ जाओ। हरे पौधों में पोषण की विधि कौन सी होती है? हरे पौधों में फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन दे देता हूँ मैं, परपोषी होता है या स्वपोषी होता है? स्वपोषी ना। हाँ। स्वपोषी है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो इस बच्चे के लिए, बहुत अच्छा आंसर, बैठ जाओ बैठ जाओ। तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही, मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीते कहीं, तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े, मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती हैं, दिल ये धोखा धड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा, सोचा न था ऐसे मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा न था। हाय, क्या बात है, बहुत शानदार। क्या नाम बताया था आपने? अनन्या तिवारी। अनन्या तिवारी, बहुत प्यारा गला है और बहुत अच्छा गाते हो आप। क्या हो गया? उदास उदास लग रही हूँ। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो खड़े हो जाओ फिर। आप भी खड़े हो जाओ दीदी। दीदी बोल दिया, अच्छा है ना, मैं से छोटे हो लेकिन फिर भी। हाँ चलो, एक क्वेश्चन आप दोनों से कर लेता हूँ। आप मुझे ये बताओ, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म या फिर 2 वेश्म? 4 वेश्म। 4 वेश्म। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, दीदियों के लिए क्लैपिंग कर दो, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। जिससे पूछूंगा वही आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या नाम है आपका? आलोक केसरी। आलोक। यस। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। बातें, और क्या नाम है? ब्रजेश विश्वकर्मा। मुस्कुराते रहो, है ना। yes. बराबर मुस्कुराते रहो। yes. कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन कर लेता, आंसर बताना, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है, कूटपात किस में पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा में। yes. अरे वाह, क्लैपिंग कर दो भाई, बहुत बढ़िया। तो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। पौधों में होता yes. है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर ए दिन में, ऑप्शन नंबर बी रात में, दिन में होता है। दिन। yes. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर, बहुत शानदार। क्लैपिंग करने के लिए देखो बच्चे तैयार है। yes. तो आप मुझे बताओ कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप क्लैपिंग कर दो, बढ़िया। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है कौन सा है? वृक्क। वृक्क। वृक्क है। यस। बहुत बढ़िया यार। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कूटपाद द्वारा। कूटपाद। यस। अच्छा पढ़ाया गया ये? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो, बहुत शानदार, है ना। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री का? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सीएम का? उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और होम मिनिस्टर का क्या नाम है? बस गए बाबू आज सब लोग, एकाएक पूछने लगे जीके से हैं। होम मिनिस्टर का नाम बताओ। सॉरी सर। चलो क्लैपिंग कर दो दोनों छोरों के लिए, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आपको क्या लगता है, एक बार खड़ा कर दिया दोबारा नंबर नहीं आएगा? आ गया नंबर। हाँ, क्या नाम है आपका? संजना पाल। चलो अच्छा बताओ, होम मिनिस्टर का क्या नाम है, गृह मंत्री का?
अमित शाह। अमित शाह है, बहुत बढ़िया। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, लाल, नीला, सफेद। हरा 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 है। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग कर दो एक बार। शानदार। ये धड़कनें जो चलती हैं वो कितनी स्पीड में चलती हैं? 72 से 75 बार। यस सर। अभी कितनी है आप लोगों की? सर इस समय 90 से 90। 120 तो नहीं पकड़ रहा किसी का? नहीं, नहीं। आपका कितना दौड़ रहा है? 70। अरे यार क्या हो गया भाई, रुक तो नहीं रहा ना? रोकना नहीं है यार। बोलिए। 72 नॉर्मली 72 से 75 होता है और ये बोल रहे 70। यार डर लग रहा है मुझे, बैठना है तो बैठ जाओ। नहीं पूछे। पूछे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन होगा सर। सबसे पहला वाला कौन सा वेद आया था पता है? नो सर। हाँ, ऋग्वेद। ऋग्वेद ना, तो ये ऋग्वेद से ही है ना? हाँ। आपको पता है क्या इसके बारे में, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया? हाँ, तो किस पुस्तक से लिया गया है? नहीं, गायत्री मंत्र ऋग्वेद। हाँ, तो वो वेद है। तो वेद है ना, वेद मेरे ख्याल से पुस्तक तो होगा ना एक। हाँ, है ना। हुँ. वैसे टोटल कितनी वेद हैं ये बताओ? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चार वेद। टोटल चार वेद हैं। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? मे बी शायद पहले जो आया था, सबसे पहले ऋग्वेद आया था। ऋग्वेद आया था और सबसे लास्ट में। नहीं, किसको किसको गायत्री मंत्र याद है? याद है आपको? भी याद है और आप लोगों को नहीं याद? हाय रे मोरे मैया, हाय। याद है तो हथवा खड़ा नहीं किए। किसको किसको गायत्री मंत्र याद है बता दो एक बार। याद नहीं है ना? बचपन से याद है। माइंड को एकाग्र करता है ना, कॉन्सेंट्रेट करता है मन को। एक बार दो तीन, जब आपका मन इधर उधर भटक रहा हो और पढ़ने बैठो, जब मन न लगे तो गायत्री मंत्र जप लो। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी होती है या फिर मृतजीवी होती है? मृतजीवी। मृतजीवी होती है। यस सर। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो। अब सबके सब टैलेंटेड हैं यार, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, फटाफट लाइक कर दीजिए।